भारत का मशहूर उद्योग ग्रुप टाटा संस 68 साल के बाद एक बार फिर से एयर इंडिया का मालिक बन चुका है। केंद्र सरकार ने एयर इंडिया के लिए टाटा संस द्वारा लगाई गई 18,000 करोड़ रुपए की बोली मंजूर कर ली। इस राशि में 15,300 करोड़ कर्ज के रूप में है और बाकी नकद देने होंगे। न्यूज एजेंसी ANI की खबर के मुताबिक निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव तुहिन पांडे ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि टाटा संस की टेलेस प्राइवेट लिमिटेड ने 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। एयर इंडिया के लिए ये सबसे ज्यादा बोली रही। 31 अगस्त 2021 तक एयर इंडिया पर कुल 61,562 करोड़ रुपए का कर्ज है, उसमें से 15,300 करोड़ रुपए टाटा देगा। तुहिन कांत पांडे ने कहा कि टाटा एयर इंडिया का ब्रांड लोगों को 5 साल तक ट्रांसफर नहीं कर सकता। 5 साल बाद केवल भारतीय व्यक्ति को ही टाटा इन चीजों को ट्रांसफर कर सकता है। रतन टाटा की ओर से कहा गया है कि एयर इंडिया के फिर से उद्धार के लिए वो पूरा प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि साल 1932 में टाटा एयर सर्विसेज ने एयर इंडिया की शुरुआत की थी। तब इसकी स्थापना JRD टाटा द्वारा की गई थी। सन 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में भारत सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया और एयर इंडिया पर केंद्र सरकार का अधिकार हो गया। हालांकि JRD टाटा साल 1977 तक इसके अध्यक्ष रहे।